बिहार में एनडीए के कुनबे को बढ़ाने के लिए लगातार जोर घटाव चल रहा है। परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि कमोबेश जितने भी दल हैं बिहार में जो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, उन पर भाजपा ने एक तरीके से अपना प्रभाव डाल दिया है, टेरिटरी मार्क कर दिया है। चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी तो बाकायदा भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे में बिहार की सबसे नई नवेली जो पार्टी है, भारतीय जन परिवार पार्टी, जिसे बड़ी जिम्मेवारियां भाजपा की तरफ से लगातार मिलती रही हैं, कुढ़नी के चुनाव में प्रचार हो या भाजपा के लिए क्षेत्र रक्षण करना हो या नए समीकरण के नए दलों से मुलाकात करके बातचीत करनी हो, एनडीए में अघोषित रूप से समायोजन का काम पृथ्वी माली, जो भारतीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार कर रहे हैं। ऐसे में पृथ्वी माली द्वारा आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और विभिन्न नेताओं से बातचीत करके जो उसका फीडबैक है बातचीत का, वो लगातार भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं को पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज फिर एक बार संजय जायसवाल से पृथ्वी माली की मुलाकात हुई। पृथ्वी माली ने इस मुलाकात के दौरान उन्हें बताया कि किस तरीके से एनडीए का समायोजन जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए और उसमें कितनी सीटें किसको मिलेंगी, इस बारे में भी अब चर्चा शुरू कर दी जाए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जहां एक तरफ मुकेश सहनी से भाजपा की बातचीत सीटों को लेकर अटकी हुई है, वहीं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भाजपा की स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। एक और चर्चा लगातार सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी की एंट्री एनडीए में भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ता चाहते हैं, इसको लेकर मांझी जी को ऑफर भेज भी दिया गया। हालांकि पृथ्वी माली लगातार एनडीए के दलों से मुलाकात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो एनडीए का पुराना स्वरूप था उसे वापस बनाया जाए, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के इस बार चुनाव लड़ना है और जिस जातीय समीकरण से नीतीश कुमार आते हैं उसी जातीय समीकरण से पृथ्वी माली भी आते हैं। इसलिए भाजपा उन्हें, आरसीपी सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को एक रणनीति के तहत साथ लेकर चलना चाहती है। अब जब भाजपा बिहार में बिना नीतीश कुमार के काम करना चाहती है तो उसके लिए यह कोर लवकुश समीकरण और माली समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा ने शायद इसीलिए पृथ्वी माली को लगातार अब तक अपने साथ रखा। अब 2024 की लड़ाई नरेंद्र मोदी के लिए साख की लड़ाई हो गई है। बिहार समेत उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूरे पूर्वांचल और उत्तरी पूर्वी इलाके में लगभग सभी जगह पर जो राजनीतिक समीकरण विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है, इसमें भाजपा और नरेंद्र मोदी फंस सकते हैं। इसे भांपते हुए भाजपा ने सीटों के समीकरण को और जो तथाकथित सहयोगी हो सकते हैं उनसे बातचीत की जो तिथि है उसे लगभग तय कर ली है। जल्द ही बिहार में विपक्षी एकजुटता का जो मंच दिखेगा उसके समानांतर बिहार में एनडीए का भी एक प्रॉपर अंतिम स्वरूप आपको देखने को मिल सकता है। कुछ दल अंतिम समय में ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए के कुनबे को, लेकिन फिलहाल जो मुख्य स्वरूप है एनडीए का वो लगभग निर्मित है और उसे बस केवल घोषणा करने की देरी है। पृथ्वी माली की लगातार मुलाकातों का जो सिलसिला है वो जारी है। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो समीकरण एनडीए बनाना चाहता है बिहार में उसका भी अंतिम स्वरूप आपको देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।